खाली क्षेत्रों को जीत कर सोनों की संख्या 15 हो चुकी है। जहांगीर के जब अकबर के समय में सिखों की संख्या कम रहा है तो जहांगीर के समय में क्या ज्यादा होगी कम होगी? वही ज्यादा होगी। अकबर के समय में जहांगीर के समय में भी सिखों की संख्या 15 हुई। और भी जहांगीर के समय में सिखों की संख्या 15, फिर जहांगीर ने जब हिमाचल को जीत लिया, जीतने के बाद लाहौर सूबे में मिला लिया, तब धीरे धीरे सिखों की संख्या बढ़ती गई। देखा जाए तो शाहजहां के समय में सूबों की संख्या कितनी हो गई? 18 सूबों की संख्या होने के बाद शाहजहां ने जो तीन सूबे बने हैं वो कौन कौन बड़े? कश्मीर, कटरा और उड़ीसा। ये लिखे हैं नीचे शाहजहां शाहजहां के समय में कौन सा एक क्षेत्र जीता गया? कश्मीर। कश्मीर इसे कहां शामिल कर लिया गया? लाहौर सूबे में शामिल, ठीक, लाहौर सूबे में शामिल कर लिया गया। और बता दें ठट्टा, ठट्टा इसे मुल्तान सूबे में शामिल कर दिया। ठट्टा के बाद में उड़ीसा, ये बंगाल के सूबे में शामिल कर दिया। ये तीन क्षेत्र बढ़े हैं, इनको जीत कर तीन सूबों में शामिल किया। इन क्षेत्रों को जीत करके तीन सूबों में इसे शामिल कर दिया। औरंगजेब के समय में वही बात आ जाती है कि औरंगजेब के समय में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? औरंगजेब के समय में इन सूबों की संख्या 20 और 21। मुगल काल में अगर सर्वाधिक सूबों की संख्या जो होती है वो किसके समय में होती है? मुगल काल में सबसे ज्यादा सूबों की संख्या किसके समय में होती है? औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब के समय में अगर देखा जाए केवल प्रोफेसर राज चौधरी और मजूमदार ने औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 21 बताई है, बाकी सब लेखकों ने इसकी संख्या 20 बताई। केवल व्यक्तिगत रूप से नाम पूछा जाए मजूमदार और राज चौधरी ने सूबों की संख्या औरंगजेब के समय में 21 बताई है, बाकी सब ने सूबों की संख्या कितनी बताई? 20। क्या हुआ? क्यों बोलो, नहीं बोलते रहो, ठीक। 21 नीचे डालो, क्या लिखा है? औरंगजेब 20 से 21। नीचे डालो मुगल काल में सर्वाधिक सूबों की संख्या, मुगल काल की सर्वाधिक सूबों की संख्या इसी के काल में थी, इसी के काल में। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में, 1687 में जीत कर सर क्या हुआ? वो है, हमने कहा औरंगजेब ने बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में जीता। इस प्रकार सूबों की संख्या 20 हो गई। नीचे डालो नो। प्रोफेसर राज चौधरी राज
राय चौधरी। वाह प्रोफेसर राय चौधरी वाह। मजूमदार जी मजूमदार ने प्रोफेसर राय चौधरी व मजूमदार ने औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 21 बताई। इन्होंने कहा था कि सूबों की संख्या 21 है। सूबे का मुख्य प्रशासक नहीं जा सकना सूबे का मुख्य प्रशासक सूबे का मुख्य प्रशासक कौन होता है? सूबेदार। सूबे का मुख्य प्रशासक को सूबेदार क्या कहते हैं? सूबेदार। और सूबेदार का दूसरा नाम बताओ कौन सा? सिपाही सरदार। देखिए सूबेदार सिपाही सरदार। और एक नाम और मैंने बताया कौन सा? एक नाम और बताया तीसरा नाम क्या है? सिपाही सरदार और नाजिब का है। ठीक ये क्या कह रहे हैं? नाजिब का है। सुबेदार को होता है वो सिपे का मुखिया होता था। हमने बताया था कि एक ही क्षेत्र में दो अधिकारी होते थे, एक कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक राजस्व व्यवस्था। ये बात बताई एक कानून व्यवस्था के लिए एक राजस्व व्यवस्था के लिए। पहले डालो सुबेदार। सूबेदार जो था ये सूबे का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। सूबे का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। ठीक सूबे का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये 1586 में क्या हुआ? 1586 में कौन आया होगा? मुगल शासक कौन होगा? 1586 में अकबर। अच्छा सही है। 1586 में अकबर के ने अपने शासन का अकबर का 1665 से 1586 में सूबों की शक्तियों को नियंत्रित करना शुरू। पहले मैंने बताया था दीवान का पद जो वजीर का वजीर के पद पर नियंत्रित किया। ऐसे सूबेदार की शक्तियां अधिक होने के कारण अकबर ने क्या किया? 1586 में सूबेदार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अकबर ने क्या किया? सूबेदार को नियंत्रित करने के लिए अकबर ने प्रांतीय दीवान या सूबाई दीवान का पद नया बना। ये बात इसे देखो 1586 में सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अकबर प्रांतीय दीवान और इस प्रांतीय दीवान से ये कहते हैं सूबाई दीवान कहते हैं। प्रांतीय दीवान या सूबाई दीवान सूबाई पद का सृजन किया। नीचे डालो दो। सूबेदार को सर्दी करने या मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं होता था। सूबेदार को सर्दी करने या मनसब प्रदान करने का अधिकार
अधिकार दिला सकते थे सुखदेव को, उनको संधि नहीं प्रदान की, संधि नहीं कर सकते थे, या मनसब नहीं दिया जा सकता, मनसब नहीं दे सकते थे। जैसे उस समय वजीर मनसब दे सकते थे, मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। परंतु गुजरात के सूबेदार, परंतु क्या है, गुजरात का सूबेदार है, गुजरात के सूबेदार राजा गोड़वर, राजा गोड़वर, ध्यान रखना ये निवासी नहीं है, गुजरात के सूबेदार है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी राजा गोड़वर, गोड़वर को राजा की बात दीजिए, राजा गोड़वर को अकबर ने राजपूतों से संधि करने, नोट भी ये बात लिखा है, राजपूतों से संधि करने उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया, मनसब प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। केवल एकमात्र गोडर समय से थे जिन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार था, बाकी किसी भी सूबेदार को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं। ठीक है, इसके आगे डालो प्रांतीय दीवार, प्रांतीय दीवार, प्रांतीय दीवान, जो प्रांतीय दीवान है वहीं पे आपको बताया सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने क्या किया। देखो सूबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए अकबर ने प्रांतीय दीवान पद का सृजन किया, और किसी को हम कहते हैं सूबे दीवान, चाहे प्रांतीय दीवान रहे और चाहे सूबे दीवान रहे, केवल क्योंकि सूबेदार अकेले शक्तियां रहती तो वह बड़ा हो जाता, नियंत्रित करने के लिए आपने क्या किया, पदवा जब अकबर ने सृजन कर दिया तो इन्होंने वित्त और राजस्व, इसे वित्त और राजस्व सर्वोच्च बना दिया, प्रांतों में दीवान का जो मामले का जो प्रधान किया है वो भी ये प्रांतीय दीवान करता था, शाही ये जो है वो शाही दीवान के प्रतिनिधित्व करता है, सूबेदार राजा के प्रतिनिधित्व करता है, ये शाही दीवान के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया, इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया, अकबर द्वारा किया, इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया गया, प्रांतों में वित्त और राजस्व, प्रांतों में वित्त व राजस्व, प्रांतों में विद्वा राजस्व का सर्वोच्च, का सर्वोच्च, ये पहले सूबेदार के पास था, अब सूबेदार के पास जो है इनके पास आ गया, या शाही दीवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या शाही दीवान की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शाही दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था, और प्रांतों के दीवानी मामले, प्रांतों की दीवानी जो मामले है, प्रांतों के जो दीवानी के मामले है उन मामलों का निर्धारण करता था। ठीक है, प्रांतों में दीवानी मामले के निपटारे भी करता, निपटारा भी है, प्रांतों के जितने भी वित्त संबंधी मामले हैं वो सब इनसे देखता, देखो जो केंद्रीय शासन व्यवस्था बताई वहां पर वजीर बताया, वजीर के पद को जो हमने कहा था वजीर का बड़ा पद, अकबर ने उनकी शक्तियों को बांट करके चार पद बनाए, उन पदों में एक शाही दीवान, देखो पीछे वाला दीवान प्रांतों में जाएगा, देखो वहां पर है क्या
यहाँ पर मुझे देखो चार लोग बताए सारी की बात है, देखो पूरी बात वही पर है। इसके आगे जाओ पक्षी, जो पक्षी है ये क्रांति की व्यवस्था बना रहे, क्रांति विमान के लिए पक्षी। और ये पूछा भी गया है पक्षी, पक्षी जो है ये प्रांतों में सेना की देखभाल करता है, जो पक्षी है वो प्रांतों में क्या करता था, सेना की देखभाल करता था, बाकी अधिकार के रूप में प्रांतों की सूचना केंद्र के देने का कार्य किए गया। कहा जाता है बाकी अधिकार के रूप में बाकी अधिकार तो डाक सेवा के माध्यम से के रूप में प्रांतों की सूचना देने, सूचना केंद्र में देने का कार्य यही किया। ठीक नीचे लाओ पक्षी, प्रांतों में सेना की देखभाल, प्रांतों में सेना की देखभाल, प्रांतों में सेना की देखभाल यही किया करते। दूसरी बात वाक्याधिकार के रूप में प्रांतों की सूचना, प्रांतों की जो सूचना है, प्रांतों की सूचना केंद्र में देने का कार्य, प्रांतों की सूचना केंद्र में देने का कार्य यही किया गया। नीर के अदर पता नाम है जी, नीर ए अदर, और इसकी भी नियुक्ति केवल अकबर ने की, जो प्रांतीय शासन व्यवस्था है वो केवल अकबर द्वारा चलाई गई, हुमायूं और बाबर के समय में ऐसा कुछ नहीं था। मीर ए अदर इसका इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम अकबर द्वारा की, इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम अकबर जिला है उनमें जो सर्वोच्च स्तर
शासक और दारोगा। दूसरा अधिकारी होता है अमर गुजार, अमर गुजार। जो अमर गुजार है वो राजस्व प्राप्ति से संबंधित, राजस्व ये देखता है। तीसरी बात, आलसा वृत्ति से भी राजस्व वसूल करता है। ये जो अमर गुजार है ये आलसा वृत्ति से भी राजस्व वसूल करता है। आलसा भूख का मतलब क्या हो, आलसा है सरकारी, आलसा मतलब सरकारी, जो सरकारी भूमि है वो जो उस पर दी जाती थी उस पर भी राज्य से ही कर दूंगा। ठीक, इसके आगे जाओ विलक्षी, विलक्षी जो विलक्षी है कि क्या है, ये अमर गुजार के अधीन लिपिक का कार्य किया करता था। ये जो अमर गुजार है इसके अधीन ये विभक्ति का, अब विभक्ति है क्या करता था, ये लिपिक का मतलब समझो, जो विभक्ति है वो अमर गुजार का लिपिक होता था और उनके साथ में ही लगान भूमि के कागज ये सब यही तैयार करता था। अमर गुजार के अधीन लिपिक, अमर गुजार के अधीन लिपि, ठीक, अमर गुजार के अधीन लिपि लगान, लगान वा भूमि के कागज यही तैयार करता था। कौन जिसके पास कितना हिस्सा है और जिसने कितना दिया, इसी के साथ में एक रहता था खजानदार, ये जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं, खजानदार ये उनके खजान की बात है, मुख्य खजान के रूप में एक आए। अब डालो पार्जने का प्रभाव, पार्जना वाली कई बार बता के पर्दा का अर्थ होता है सौ का, ठीक, पर्दे का मतलब है सौ। ये खजानदार, देखो ऐसे राजस्व वसूलता वसूला करता है,
और सर्वोच्च पदाधिकारी सर्वोच्च अधिकारी सीख रहा है यात्रा सीख रहा। अगर अकबर को यहाँ पर लिखना वसूल करने अकबर के समय में एक व्यवस्था की गई थी। अकबर ने 1574 में 1 करोड़ दाम से हर राज्य से वसूलने वाले कर्जे में एक आमिल की नियुक्ति की थी जिसे करौड़ी कहा जाता था। इस करौड़ी शब्द का प्रयोग कई जगह मिलता है और पूछा भी जाता है। उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा कि करौड़ी अधिकारी कहाँ पर नियुक्त किया गया, करौड़ी का मतलब क्या ये पूछा गया। इसमें डालो दीजिए इति के आगे, जैसे कोई परगना है और उस परगने में 100 मत है, उस परगने में क्या हुआ कि उसका राजस्व वसूला गया और वसूलने के दौरान उसकी अगर कीमत 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वसूल दिया गया तो जो आमिल नियुक्त किया गया आमिल की नियुक्ति जो की गई थी आमिल इसी को हम क्या कहते हैं करौड़ी कहा जाए। जिस जौने 1 करोड़ वसूल लेता था आमिल उसको करौड़ी कहते थे ना कि साथी को करौड़ी। ठीक यही बात इसे को अकबर ने 1574 में अकबर ने 1574 में 1 करोड़ दाम से अधिक 1 करोड़ दाम से अधिक 1 करोड़ दाम से अधिक अधिक राजस्व राजस्व वाले परगनों में एक आमिल की नियुक्ति की जिसे करौड़ी कहा जाता है। अमीन अभी चल रहा है पद, अमीन का पद इस समय चल रहा है या नहीं चल रहा है, अमीन का प्रचार विशेष नहीं है। अमीन जो है वो शाहजहां द्वारा किया गया था, पर ये मान विधायक का निर्धारण करने हेतु बनाया गया। क्या कह रहा हूं अमीन अमीन शाहजहां द्वारा भी शाहजहां द्वारा मान उजाने का निर्धारण करने हेतु मान उजाने का निर्धारण करने हेतु माल उजाने का निर्धारण करने हेतु किस आमिल की नियुक्ति की गई। एक शब्द आता है भौतदार, ये शब्द विभाग इसके भौतदार का मतलब क्या होता है, भौतदार का मतलब सर्वोच्च प्रशासक नहीं मुख्य खजांची। कारकुन ये भी दिखा चुके एक बार, कारकुन कारकुन क्या था, कारकुन क्या है परगने का जीपी, परगने का जीपी ये कारकुन सबको ढांकना परगने का लेखा कार्ड नीचे लिखना इंपॉर्टेंट के तौर पर परगने का लेखा रिकॉर्ड परगने का लेखा कार्ड परगने का लेखा लेखा का ये रिकॉर्ड में बोलते की बात एक रिकॉर्ड किस भाषा में रखा जाता है का देखा आरसी
फारसी भाषा में रखा जाता है। मुगल काल कब से कब तक है? मुगल काल है 1526 से लेकर 1702। अब मुगल काल के बाद में अगर हम कहें ये 1707 के बाद है उत्तर मुगल काल, ये कब है? 1707 से लेकर 1757 1537 1537 1537 ये मुगल काल की व्यवस्था है। मुगल शब्द है, मुगल शब्द पहली बात को बताते, मुगल शब्द के लिए शब्द एक प्रयोग किया गया है, लेखकों ने अलग अलग बातें बताई, विद्वानों ने अलग अलग बात बताई। समस्या जन को क्या है, जो बाबर है वो अपनी माँ की तरह से माँ
तो समझ सकते हैं इस समय का कारण। आप देखो हमें बताना ये बाबर मंगोलों की तरफ से कौन सी पीली है, मंगोलों की तरफ से कौन सी पीली, ये दर्गी है तेरी, और इधर तू सकता है मूल की वंश की तरफ से कौन सी है जानवी। तो बाबर इस पीली का कौन सा हुआ, मंगोलों की तरफ से पांचवी और इनके तैमूर की तरफ से पांचवी और चंगेज की तरफ या मंगोल की तरफ से पंद्रहवीं चौदहवीं पंद्रहवीं से चौदहवीं चौदहवीं पीढ़ी होगी भाई बाबर। अब ये चौदहवीं पीढ़ी किसकी तरफ से, मंगोलों की तरफ से और तैमूर की तरफ से पांचवी। ऐसी बात होगी किताबों में ये बात लिखी होगी बाबर तैमूर वंश का तैमूर की तरफ से पांचवी पीढ़ी, मंगोल की तरफ से चौदहवीं पीढ़ी का संतान, चौदहवीं पीढ़ी की संतान। जबकि ये जो मिर्जा उमर शेख है ये चौथी पीढ़ी का लड़का है, मिर्जा उमर शेख चौधरी चौथी पीढ़ी का लड़का है और ये चंगेज खान की ये कुतलू मीनार का खाना में तेरहवीं पीढ़ी। ये जो कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है इसलिए उपाय रखा है, ये है चौथी और ये है तेरहवीं। अब बाबर होगा इनकी तरफ से कौन सा चौथी और इनकी तरफ से पांचवी पांचवी पीढ़ी। ठीक था तो लिख लो क्या जाने लिखा नहीं था, ठीक है क्या ले लिखेंगे क्या लिखो जल्दी। चंकाई दूर मतलब क्या हो गया,
या केवल नाम ही बंद और तुर्कों के बंसर दोनों चंगाई तुर्क हो गए भारत बाबर के भारत पे बाबर ने भारत भारत पे तुर्कों के चंगाई बाबर ने भारत पे तुर्कों की चंगाई चंगाई शासन चंगाई वर्ष की बाबर ने भारत में तुर्कों की चंगाई वर्ष की भी गांधी यही पर से अब बाबर बात करते हैं बाबर ने भारत में तो देखा जाए अपने उपयोग का लिखा है कि 1526 से 1527 का कुछ हिस्सा उधर का बताएंगे जब अपने आप को बताया था जो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था ठीक उधर का एक जन्म से पहले यह था ने कब से कब तक अगर देखा जाए भारत भी अगर इसकी जीव है और बड़ी पड़ी है वो से कब तक रहते 1526 से लेकर के कब तक 1526 एक बात है जो बाबर की बात आती है बाबर 1526 से लेकर 1530 तक रहती है और बाबर का इसका जन्म जन्म कब हुआ था कोई बताएगा जो पहले टाइम थे होता पहले टाइम थे कब होता है जब आप याद रखना बाबर का जन्म मतलब पहले टाइम थे पहले टाइम थे जो है वो 14 फरवरी का 1483 बाबर का जन्म हुआ बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था और कहाँ हुआ था कहाँ फरगाना जो फरगाना कहा जाता है जो फरगाना जो ट्रांस आसियान की एक रियासत ट्रांस आपसी ज्ञान की एक रियासत है फरगाना यहाँ पर बाबर का जन्म और जहाँ पर हम इन्हें क्या कहते हैं वो पानू अफगानिस्तान का क्षेत्र जहाँ पर कहते हैं वहीं पर पड़ता है यही ट्रांस आसियान की एक रियासत है उसी का नाम है फरगाना और फरगाना में ही इनका जन्म हुआ था इसका वास्तविक नाम क्या रखा गया है वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद का एक वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इतना पूरा नाम वैसे सीधे सीधे बाबर बाबर कहते हैं पिता पिता का नाम क्या है मिर्जा उनकी उमर थी मिर्जा उमर से मिर्जा उमर से उसकी उपाधि थी ये जो मिर्जा है ये उनकी क्या है उपाधि ये उपाधि है मिर्जा उनकी उपाधि है और उपाधि होने के बाद माता का नाम क्या है उत्तरुम निकार खाना निकार खाना ये की माता उत्तरुग निकास खाना बाबर की माता का नाम है और जो दादी है इनकी दादी दादी का नाम अगर किसी को और बताओ पता हो दादी का नाम एहसान दौलत बेगम एहसान दौलत बेगम ये दादी है ठीक
जो आयसान जो जाते आयसान दौलत बेगम इनका नाम बहुत जरूरी है। बाबर का राजा विशेष करने वाली जो है वो उनकी दादी है जिसे बाबर का राजा भी थे। और आप बोल रहा है आपने देखा होगा कि जो बाबर का किताबों में पढ़ा होगा कि बाबर का लिखा राजा विशेष बाबर, लेकिन ऐसा नहीं। बाबर का राजा विशेष 11 वर्ष 2 माह के बाबर इन्होंने क्या किया राजाभिषेक करने वाली एहसान और राजा एहसान दौलत बेगम दादा का नाम बताओ, इनके दादा का नाम, दादा का नाम भूलने से मिलता भी नहीं, कई बड़ा मुश्किल से हमने ही मामले रास्ते से मिल पाया इधर उधर। ऐसे समझ लीजिए इनके दादा का नाम है मिर्जा आबूसी, मिर्जा अबू इनके बाबर के दादा मिर्जा अबू से। जब मिर्जा उमर से इनकी मुदत हुई, मिर्जा उमर से कौन है इनके पिता, मिर्जा उमर से जब 14 फरवरी 1483 को बाबर की कावा जन्म हुआ, अब जन्म होने के बाद मिर्जा उमर से की मुदत हुई 1484 मतलब इनकी उम्र कितनी होगी 11 वर्ष 2 माह की अवस्था के बात कर रहे हैं। और उस समय किताबें इतनी बारहवीं वर्ष इनका राजा था उसी के माता यह है। मिर्जा उमर की मृत्यु 1494 में कहां हुई 1494 में हुई। जब 1494 में हुई तब बाबर की उम्र उस समय बाबर मात्र 11 वर्ष समर्पण
समर पद। ये जो धरना है धरना के पड़ोस का क्षेत्र जितना समरगंज बाबर का जो पैतृक स्थान इस समरगंज पर ही बाबर ने आक्रमण कर और किसने किया बाबर ने 1496 में 1494 में वो शासन करा और 1496 में बाबर ने समरगंज को बाबर का पैतृक स्थान उस पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद वहां पर देखा कि अब समरगंज में उनसे आक्रमण किया लेकिन उपदेश पहले विजय रहा अपने बाद में क्या हुआ वो अर्थन हो गया अब अर्थन हाथ लगी समर्थन उधर दूसरी तरफ फिर इसने फिर कोशिश की का अपनी जीत ले 1497 में क्या किया फिर से समर्थन करा समर्थन हुआ पर समर्थन का उपरला दोनों हाथ से निकले ऐसे निकले 1497 में वो समरगंज गया और समरगंज पर आक्रमण किया समरगंज को जीत लिया और जीता तब तक वो जो खरजना में वहां का शासक था खरजना में तब तक वहां समरगंज वालों ने या वहां के लोगों ने या ऐसा क्या कहा जाता है खरजना जो बाबर है जब देखा शायद लाखों से काफी करते हैं कि जब उनके साथियों ने ऐसी बात है वहां के लोगों ने खजना के शासन के विद्रोह कर दिया समरगंज ने भी विद्रोह हो गया और समरगंज में था बाबर बाबर ने जीत लिया कहा लगभग 100 दिन तक रहा रहने के बाद तब तक खजना में विद्रोह फैल गया अब विद्रोह फैलने के कारण वो समरगंज से निकला और खजना में जा पहुंचा तब तक विद्रोहियों ने खजना के इतिहास शासन व्यवस्था को उनके कब्जे में ले लिया वो उनके कब्जे में पहुंचता था पूरा अब बदला जब उनके हाथ में पहुंचता था बारों को लड़के से घेरा ले नहीं पाते थे उधर खजना में भी विद्रोह हो गया है समरगंज में भी विद्रोह हो गया अब समरगंज भी चला गया खजना भी चला गया समरगंज के लोगों ने इसे हटाना तब इससे क्या किया कि बाबर ने भाग कर तब बाबर ने भाग कर बाबर ने भाग कर कहां गए बाबर ने भाग कर भारत के साथ कभी कभी ये सेख भी कहते हैं भारत के साथ इस माय सहर इस माय ये भारत के साथ के बाद ये हस्तरण अब कहा कि हमें शरण ले लो हमारे राजशासन व्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए हम कैसे अपनी राजशासन व्यवस्था तो उसने कहा कि सहायता तो हम आपको दे सकते हैं जो हम सहायता तो आपको दे सकते हैं लेकिन आप यहाँ से जब जीतोगे तो एक बात बता दे रहे आप सुन्नी मुसलमानों का क्या करोगे प्रचार सुन्नी मुसलमानों का प्रचार प्रचार करोगे और पहले तो हमें बहुत उपाय जब भारत के भारत के साथ इस्लाम के आसार होते थे कि करण के किसी की सहायता से साथ इस्लाम की सहायता से 1498 दिनांक के लिए फिर से क्या किया खजना तो ले पाएगा इसके अंदर क्या पाप साथ इस्लाम की सहायता नीचे दे देते हैं किसी की सहायता से सहायता से 1498 के दिनांक की सहायता से बाबर ने 1498 दिनांके भी 1498 दिनांके भी खजना पर अधिकार
अब तुम्हारा अधिकार कर दिया। फिर से बदलाव के दायरे में आ गया बाबर। बाबर के फिर से दायरे में आ गया। अब देखो अब क्या हुआ, खजाना किसके पास है? उधर क्या हुआ कि जो समरकंद है, समरकंद में लगातार कुछ कुछ झगड़ा होता है, ठीक, समरकंद में सदैव कुछ कुछ झगड़ा हो रहा होता रहता था। वही पर एक समरकंद में है उद्योग को पास सेनापति है सहवाली। सहवाली ने क्या किया कि फिर से इस पर आक्रमण कर दिया। खजाना पर आक्रमण किया और जब सहवाली आगे आक्रमण किया उसी समय बाबर भी तैयार हो गया। अब बाबर एक बार क्या हुआ, बाबर उसको लूट करके चला गया। दूसरी बार फिर से समरकंद वालों ने आक्रमण किया, बाबर तैयार हुआ। उसने आक्रमण करने के लिए सरल युद्ध है, सराय के युद्ध में बाबर को पराजित किया। अब पराजित करने के दौरान क्या किया कि उसकी बाबर की बहन होती है, बहन को उठाकर ले जाता है सहवाली, जिसके जिसके साथ उसने बाद में क्या किया, शादी कर ली। शादी करने जब विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद उसने क्या किया, पहले तो अपहरण कर लिया, बाद में उसने विवाह कर लिया। लेकिन बाबर भी नहीं बैठा, बाबर ने बल्ला को चार में गुना क्या कर दिया, काबू कर लिया। अधिकार कर लिया, अधिकार करने के बाद फिर अपने जो उन्हें एकला कहा जाता है सहवाली मान जिससे उसकी बहन को उठाएगा है तो उसका बाप हो जैसे भी उठाएंगे। बाद में सहवाली खान ने कहा, सहवाली खान ने कहा ठीक है मैंने आपकी बहन के साथ बात तो किया है तो बहन ही जाया मुझे मान लो या मान लो। लेकिन क्या हुआ तब उसने बाबर ने उन्हें क्षमा करते हुए सबसे पहले तुगलकवा जो तुगलकवा जीत के पत्र है वो सदैव किसने सीखी है, सहवाली खां से ही बाबर, ठीक, सहवाली खां से ही सीखी है। और यही पर से फिर उसके बाद में जो बाबर खान जो अपहरण किया था जो यही पर क्या किया, इसके बाद 1507 में 1507 में जब उसने आक्रमण काबुल की तरफ किया, काबुल का अधिकार करने के बाद 1507 में उसने मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की, ठीक, यही बात लिखो मैंने 1507 में क्या डिटेल में फिर से समझाएगा अगर समझ पाए हो तो। चित्र बना के वो जो मूर्तियां बना देते हैं उसकी की तरह Yeah.
बाबन की बहन नहीं है, बाबन की बहन आने जाना का अपहरण किया तथा बाद में इससे विवाह कर दिया। पहले अपहरण कर दिया, बाद में इससे विवाह कर दिया, अपहरण किया बाद में इससे विवाह कर दिया। पचास हजार फिर से समझ सकते हैं। अब उसने पूरे काबुल का जो क्षेत्र पड़ता है कि जो पूरा काबुल का क्षेत्र पड़ता है उस पर सफर बांध दिया था, पकड़ करके अपने दायरे में 1540 बाबर ने काबुल पर रखा है। अब बाबू पर अधिकार कर लिया तो समझ कर दिए सब उसी दायरे में आ जाएंगे। बाबू पर अधिकार कर लिया कितने 1507 में एक इंपॉर्टेंट टेबल लिखना ये बात 1507 में मिर्जा बाबर ने मिर्जा उपाधि का त्याग कर बाबर ने मिर्जा उपाधि त्याग कर मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह या बादशाह और ऐसा करने वाला यहां से प्रथम था, ऐसा करने वाला प्रथम ऐसा करने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक, इससे पहले कोई नहीं बादशाह उपाधि दी गई थी। तब मदीना के राजा के रह करके उसने सुल्तान की उपाधि। एक बात पूछिए, बादशाह का मतलब क्या होता है? बाद माने क्या है, शाह माने क्या है, बताया भी है। बाद माने और बाद माने स्थाई पद। अब मदीना की सत्ता को दबा दिया। अगर हम कहें सल्तनत काल में राजा को क्या कहा जाता था, मुगल काल में राजा को क्या कहा जाता था, दोनों में अंतर क्या है? तो सुल्तान और बादशाह में अंतर क्या है? सुल्तान जो है वो खलीफा की अनुमति लेकर के करता था राजा, जिसे हम सरद कहते थे। बादशाह स्वयं स्थायी सेना को खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। सुल्तान जो है वो खलीफा से स्वीकृत के आधार पर ही शासन संचालन किया करता था, जबकि बादशाह ऐसा नहीं है। बादशाह संचालन स्वयं अपने तरीके से करता है। ठीक, इसका क्या करो, बाबर ने भारत पर ये बाबर ने भारत आक्रमण बाबर के भारत आक्रमण बाबर के भारत आक्रमण बाबर के भारत पर आक्रमण। पहली बात तो आपको बता दें, 1519 से लेकर 1524 क्या है, 24 तक भारत बाबर ने भारत पर चार आक्रमण, बाबर ने भारत पर चार आक्रमण। जो चार आक्रमण किए हैं उनमें अगर सबसे पहला चौथा आक्रमण, पहले चार आक्रमण किए वो जो दिन है पहला आपका आपको बता दे, आपके नाम सुनोगा बाजौर, बाजौर या हैदराबाद,
मेरा पर आप देखो आपको ये पाठ में पढ़ा है डिटेल में बहुत ज्यादा इसे बड़ा हो रहा है वादावर मेरा पर आक्रमण किया है कब 1519 वादावर मेरा पर आक्रमण 1519 में पढ़ता है ये वादावर पढ़ता रहा है बंदमान पंजाब या वो पंजाब पाकिस्तान का ठीक इस क्षेत्र में वादावर मेरा पता है वहां हूं हेरा पर आक्रमण के दौरान जब हेरा पर आक्रमण किया है तब पहली बार को पाने का प्रयोग किया है बाबर ने यहाँ पर पहुंचे हैं वादा लो हेरा आक्रमण के दौरान हेरा आक्रमण के दौरान बाबर ने पहली बार को मरे का प्रयोग किया को मरे का प्रयोग किया अब जब बादर और फेरा को जीत किया तब वहां पर हिंदू को देव को यहीं पर हिंदू देव को क्या किया प्रशासक के रूप में करके चलाया हिंदू देव को यहां प्रशासक हिंदू देव को यहां हिंदू वेद को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया नंबर दो चार को
एक पानी का टाइम में पूरा फाइल में करते हैं पता अपनी सरकार का चार से नीचे लिखो बाहर द्वारा भारत में लगे गए प्रमुख क्यों बाहर द्वारा भारत में लगे गए प्रमुख क्यों पहला चलो पानी का प्रभावी से यह अपने जाप को बनाए ठीक जहां पर दिखा लगे वो